नमस्कार दोस्तों, आज 26 जून 2022 है, 26th of June 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट बन रही है फॉर द डे एंडिंग 24 जून 2022, 24th of June 2022। और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक 5paisa का लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें और वहां से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहां आपको ये सब जानकारियां दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीलॉन्च्ड और रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम है जो कि अब अवेलेबल है, जहाँ पे हम जो है हफ्ते में 3 बार 2-2 घंटे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह पे गाइडेंस देंगे। तो अगर उसमें आपका इंटरेस्ट हो तो 9871066337 पर कॉन्टैक्ट करें। अब फ्राइडे को जो एक्शन हुआ S&P 500 में, वो कुछ 116 पॉइंट्स ऊपर जाकर बंद हुआ है। डाउ जोन्स जो है 800 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त पुल बैक रैली है और अब इसका अगला टारगेट ये 4,062-4,180 इस तरह के जोन में जाना लाइकली लग रहा है। अगर हम नैसडैक कंपोजिट की बात करें तो यहां भी आपको जो है 12,000 से लेके 12,400 तक एक टारगेट आपको मिल सकता है। अगर थोड़ा सा मैं प्रिसाइज होने की कोशिश करूं तो 12,300 तक यहाँ टारगेट आपको नजर आ रहा है, जहां पे ये स्विंग हाई बना था। अब हम निफ्टी की बात करें, SGX निफ्टी जो है वो इस वक्त 15,870 दिखा रहा है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग ओपन वहां पर भी लाइकली है। अब तक की जो पुल बैक रैलीज आई थी उनमें कोई भी बहुत बड़ी बार नहीं बनी, तो अब तक पुल बैक वीक था। मेरे हिसाब से कल अगर हम 15,863 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 16,100 तक के लेवल यहाँ नजर आ सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यू है वो ये है कि अगर 15,950 तक आपको रैली मिलती है, जस्ट शॉर्ट ऑफ 16,000, 16,000, तो वहां पे कुछ हद तक आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है काफी कुछ ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे आपका जो PCR है अभी 0.99 है, वो 1.3 के आसपास पहुंच जाएगा निफ्टी पे। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर आपको सॉलिड 200-250 पॉइंट की रैली मिलती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें और फिर री एंट्री के बारे में सोचें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 16,200 आएगा, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन वो एक ही फेज में नहीं आएगा। और ऑप्शन ट्रेडर को अगर 100-150 पॉइंट का डिक्लाइन मिलेगा तो उसकी ऑप्शन जो है खराब हो जाएगी। प्लस आपके पास 4 दिन है एक्सपायरी में, तो अगर आपको कोई फेवरेबल ओपन नजर आता है तो आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। निफ्टी बैंक की बात हो रही है,
मेरे हिसाब से यहाँ भी आपका जो है 34,500 तक जाने की उम्मीद हो सकती है। यहाँ पे गैप्स हैं, बैंक निफ्टी में भी गैप है जो कि 34,300 से सीधा नीचे 33,700 आया है, तो बैंक निफ्टी का हो सकता है कल गैप कवर हो जाए। निफ्टी में गैप है जो कि 16,172 से लेके 15,886 तक था, तो ये दोनों गैप्स में कवर होने की उम्मीद है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह के लेवल पे खुलता है। अगर हम ये 860-880 के ऊपर खुलते हैं तो ऐसा हो सकता है कि गैप कवर होने की उम्मीद हो, प्लस डाउ फ्यूचर्स कैसे खुलते हैं ये भी ज़रूरी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आप पोजीशन भर लेकर गए हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 10:30-11 बजे तक 80% रैली जो है वो आपको मिल जाएगी। अगर हम निफ्टी में ओआई देखें तो 16,000 पे मेजर ओआई है, 15,900 पे जो फ्राइडे को ऐड हुआ है, और उसके बाद 16,000 है। अगर 15,900 क्रॉस हुआ और इन लोगों ने कवरिंग शुरू करी तो मोटा मोटा आप जो है 16,000 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। तो कल देखने वाली बात है कि 15,900 पे क्या होता है, क्या मार्केट यहाँ रुकती है या इसको सुबह सुबह ही निकाल देती है। ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह ही ये लेवल निकल जाए तो फिर मार्केट सेटअप हो जाएगी किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग के लिए। अब थोड़ा सा हम अगर बैंक निफ्टी देखें ये 1.03 पे TCR है, और यहाँ भी ऊपर स्पेस है आपके पास 1.4 तक जाने की, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रही। यहाँ मेजर कॉल राइटिंग आपको 34,500 पे ही नजर आ रही। तो एक बारी बैंक निफ्टी अगर 33,800 के ऊपर चला तो आपको 34,500 मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है थोड़े से ये नंबर्स ध्यान में रखें, ब्रॉडली 16,000 निफ्टी पे और 34,500 बैंक निफ्टी पे। ओके, अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड की, ब्रेंट क्रूड में वापस किसी तरह की रैली शुरू हो रही है, लेकिन अभी भी 113 पे है, तो उतना पॉजिटिव नहीं है जितना 2-3 दिन पहले था। यूएस 10 ईयर में देखें पे ठीक है, हाईएस्ट लेवल पे नहीं है लेकिन अभी भी 3% से ऊपर है। बिटकॉइन माइल्डली ऊपर है बट अभी भी काफी एक वीक पैटर्न यहां पे नजर आ रहा है। ओवरऑल मंथ भी समाप्त हो रहा है तो ये मंथ जो है अभी भी वीक साइड पे है, इतना पॉजिटिव नहीं। लेकिन अगर हम इन लोज के ऊपर पहुंच जाएं जो कि 15,670 के आसपास है तो शॉर्ट कवरिंग और पिकअप हो सकती है। ट्रेंड चेंज शायद अभी नहीं होगा, ट्रेंड चेंज के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मेरे हिसाब से
16800 के ऊपर ही हम किसी ट्रेंड चेंज की बात करेंगे, अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। और बैंक निफ्टी पे ट्रेंड चेंज 35,000 से ऊपर होगा, लेकिन ये पुल बैक रैलीज हैं, यहाँ हमें 34,500-600 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। वीकली बात करें तो वीकली में पॉजिटिविटी है, तो अगले शायद 2 हफ्ते तक आपको ये रैली और कंटिन्यू होते हुए ऊपर नजर आ सकती है। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर हम वीकली निफ्टी का देखें, ये पहला हफ्ता है, पिछले हफ्ते का हाई जो था 15886 था, इससे ऊपर गैप है। मुझे उम्मीद है कि ये 886 के ऊपर ये गैप क्लोज होने का बड़ा अच्छा चांस है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल सुबह देखते हैं कि डाउ जोन्स किस तरह खुला है, एसजीएक्स कैसे खुला है। उम्मीद ये है कि मंडे का दिन काफ़ी एक एक्सप्लोजिव डे होगा, लेकिन किसी स्टेज पे कुछ मुनाफा वसूली करने का भी टाइम आएगा। मेरे लिए वो लेवल 15950 के आसपास है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हैव अ गुड इवनिंग। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। टेक केयर एंड गुड नाइट।